भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। यह वो त्यौहार है जो पूरे साल भाई बहन कहीं पर भी हो, लेकिन एक दूसरे को इस बात की संतुष्टि देता है कि एक ऐसा रिश्ता है जो तमाम मतलब से परे हैं, परिभाषा से परे हैं। आपको बता दें कि इस साल रक्षाबंधन 19 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। सवाल सबसे बड़ा यह होता है कि शुभ मुहूर्त कौन सा है। आपको बता दें कि दिन पंचक के साथ साथ भद्रा का साया भी है। ऐसे में कन्फ्यूजन यह भी है कि आखिर राखी का वक्त कौन सा रहेगा, क्योंकि आम लोग मानते हैं कि ना पंचक शुभ होता है और ना ही भद्रा का साया। तो हम आपको यह तसल्ली से बताते हैं कि कैसे आपकी परेशानी दूर होगी। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि यानी 19 अगस्त को सुबह 3:04 से यह तिथि प्रारंभ होगी, जो रात 11:55 पर समाप्त होगी। ऐसे में राखी का पर्व 19 अगस्त को है, इस बात को लेकर कोई संशय नहीं है। अगर हम अनुष्ठान रक्षाबंधन के अनुष्ठान का समय देखें तो ये दोपहर 1:30 से रात 9:06 तक है। राखी बांधने का समय दोपहर 1:46 से लेकर 4:19 तक है, यानी कुल 2:37 का ये वो शुभ समय है जब आप राखी बांध सकते हैं। प्रदोष काल का मुहूर्त देखें तो ये शाम 6:56 से रात 9:07 तक है। जहां तक बात है इस बार भद्रा और पंचक के साये की, तो आपको बता दें हर महीने के 5 दिन ऐसे होते हैं जिसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना होता, इन्हें पंचक कहा जाता है। लेकिन राखी पर होने वाला पंचक राज पंचक है, क्योंकि सोमवार के दिन से शुरू होने के कारण यह राज पंचक है। ऐसे में आप शुभ कार्य आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता है। आपको बता दें कि इस बार राखी का यह मुहूर्त बेहद शुभ माना गया है। इसके साथ ही शनि शश नामक राजयुग का भी निर्माण हो रहा है। लक्ष्मी नारायण योग और बुद्धादित्य और शुक्र आदित्य। हमारे दर्शक, हमारे रिपोर्टर्स, सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस देश की रक्षा करें हिमालय, चरणों को धोता सागर है, 7 कोटि कंठों से निकली वाणी जिसकी एक है, नहीं कटेगा कोई हिस्सा, सारा भारत एक है। एक बार पुनः न्यूज स्टार टीवी नेटवर्क परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।